अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्जा इरशाद बेग है। आप देख रहे हैं इरशाद गर्ल सिटी। जो आज मैं कुछ स्पेशल प्रोग्राम लेके आया हूँ, जो मदरसा रहमानिया जो गर्री में आज स्पेशल प्रोग्राम हुआ है, जो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप उन्हें वीडियो में देखें और लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि मेरी वीडियो और मैं इरशाद गर्ल सिटी पर सभी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। इसी के साथ मैं सभी को और थैंक आज यू की बोलना इस चाहता बज़्म हूँ। के कन्वीनर मिर्ज़ा रेहान बेग, मिर्ज़ा शकीब बेग, मिर्ज़ा ताहा बेग, मिर्ज़ा उस्मान बेग, मिर्ज़ा रेहान बेग, इन सब अजीज़ों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी शानदार बज़्म सजाई। इल्म व ईमान के नाम पर यह एक बेहतरीन पेशरफ्त है। लम्हा करता है जुस्तजू मदीने की, कि मैं गुलाम आका हूँ, इस तरह नहीं करता कि मैं गुलाम आका हूँ, इस तरह नहीं करता कि मैं गुलाम में
मैं गुलाम आका हूँ, इस तरह नहीं करता। अरे बात कीजिए मुझसे बावजू मदीने की, के लम्हा लम्हा करता है जस्तजू मदीने की। माशाल्लाह हज़रात महतरम, इल्मी और सकाफती मजालिस व महाफिल का समाज की तामीर व तरक्की में बहुत अहम रोल होता है। यह इल्मी हलके और बैठक ही हमें समाजी मसाइल और इनके हल की राहों की तरफ रास्ता दिखाता है। समाजी तब्दीली, बच्चों की ज़हनी वसअत और उनकी शाइस्तगी और नौजवानों की इल्मी और फ़िक्री तरबियत उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक हमारे दरमियान इल्मी मजलिसें कायम करने की दिलचस्पी न हो। अगर हम नौजवानों के अंदर इल्मी और फ़िक्री मजलिसें कायम करने की दिलचस्पी पैदा करने में कामयाब हो गए तो हम एक कामयाब कौम बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। हमारे पास मजलिसों की कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है उन मजलिसों की जो समाजी तब्दीली की बात करें, जो बच्चों के अंदर मकसदियत यानी पर्पसफुलनेस पैदा करें, जो लीडर जहन और लीडर दिमाग पैदा करें। मैं ऑनरेबल मिस्टर जनाब मौलाना मिर्ज़ा मकसूद बेग साहब को दावत देता हूँ कि वो कुर्सी पर बैठकर हम लोगों को हजरात, नौजवानी क्या है, नौजवान कौन लोग हैं, नौजवानी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कुव्वतों सलाहियतों उमंगों जफाकशी बुलंद परवाजी और अजाइम व हौसले का दूसरा नाम नौजवानी है। किसी भी कौम व मुल्क की नाकामी और उनकी शिकस्त फतह व शिकस्त तरक्की व तरसुनी और उरूज व ज़वाल में नौजवानों का किरदार बहुत अहम होता है। हर इंकलाब चाहे वो सियासी हो या इक्तिसादी, माशरती सतह का हो या मुल्की सतह का, साइंसी मैदान में हो या इत्तिलात व नशरियाती मैदान, गर सभी मैदानों में नौजवान का किरदार बहुत अहम और कलीदी होता है। रशियन रिवोल्यूशन हो या फ्रेंच रिवोल्यूशन या अरब स्प्रिंग, इन सब में या इसी तरह मार्टिन लूथर किंग का रेसिज्म के खिलाफ बर्पा करदा इनकलाब हो, तमाम इनकलाबात में आप देखेंगे कि नौजवान ही सबसे आगे और इस इनकलाब को चलाने वाले होते हैं। माजी में जैसा कि तारीख से साबित है, हर छोटी बड़ी तब्दीली नौजवानों ही के जरिए आई है। जमाने हाल में यानी प्रेजेंट टाइम में भी हर छोटी बड़ी तंजीमें, हर मुल्क नौजवानों ही की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। अब हम इस्लामी तारीख और इस्लाम की तरफ लौटते हैं कि इस्लाम की के गोल्डन पीरियड में नौजवानों ने किन सिफात किन तकनीकों को इस्तेमाल करके दुनिया की काया पलट दी। इस्लाम जो दुनिया में निज़ाम इलाही कायम करना चाहता है, वो नौजवानों के मकाम और उनकी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा कर देता है और उनकी तरबियत इस अंदाज में करता है कि उनको खुद अपने लिए, फिर पूरे समाज के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत और पूरी ह्यूमनिटी के लिए फायदेमंद बना देता है। इस्लाम नौजवानों को हर वक्त खैर की बात करने वाला, खैर की दावत देने वाला, हर एक को बुराइयों से रोकने वाला, समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपनी उम्मत के लिए हमेशा उसको तरक्की, उसकी तामीर व तरक्की के लिए हमेशा कोशा करता है, उसको उसके लिए कोशिश करने वाला बनाता है। इसके अलावा वो नौजवानों में मुजाहिदा नफ्स, इनाफिल इस्लाम, सब्र व इस्तेकामत, हिकमत, इल्म, तदब्बुर, इन तमाम सिफात और क्वालिटीज से उसको इस तरह लैस करता है कि वो दुनिया की इमामत कर सके, दुनिया को चला सके वो। लेकिन आज के ज़माने में हमारी इमेज इस तरह बन गई है कि मुस्लिम नौजवानों को बेकारी, सुस्ती, काहिली, वक्त की बर्बादी, इन तमाम सिफात से उनको ताबीर कर दिया गया है कि मुस्लिम नौजवान का दूसरा नाम, दूसरी सूरत ये होगी कि वो बेकार घूमता फिरेगा,
उसका कोई मकसद नहीं होगा। बिना मकसद वो सड़कों पे, बिना मकसद वो गलियों में घूमता फिरेगा। मैं कुछ मिसालें लेकर लाया हूँ। तमाम नामों से अक्सर शरीयत यहाँ की वाकिफ होगी, जिनमें एक नाम उसामा बिन जैद का है। सहाबी रसूल सिर्फ 18 साल की उम्र में इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ सरदार बनाकर भेजा था, और इनकी सरदारी में बड़े बड़े अकाबिर सहाबा हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और इन जैसे, इसके अलावा और भी बहादुर सहाबा मौजूद थे, लेकिन इनको आपने सरदार बनाया इनकी काबिलियत के बिना पर। चुनांचे आपने इस इतमाद को पूरा किया और वहां से तैयार होकर लौटे। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद अल्फाते का नाम तकरीबन हर एक ने सुन रखा है। सुल्तान मोहम्मद अल्फाते ने सिर्फ 22 साल की उम्र में कुस्तंतिनिया, जो उस वक्त ईसाइयों का सबसे बड़ा मरकज, सबसे बड़ा किला था, इस्लाम पर हमला करने का, इस्लाम को जेर करने का, लेकिन इस उस्मानी तुर्क नौजवान ने सिर्फ 22 साल की उम्र में उस कुस्तंतिनिया को फतह किया, जिसको मुस्लिम अहद में कोई फतह न कर सका। हालांकि इसकी जानिब कई कोशिशें हुई, लेकिन ये बरकत, ये फतह सिर्फ उन्हीं के हिस्से में थी। जाहिर है कि इसके लिए उन्होंने तैयारियां की, इसके लिए उन्होंने मेहनतें की, तब जाकर ये बड़ी कामयाबी हाथ आई। और ये ऐसी कामयाबी है कि ता क्यामत तक के लिए इस्तांबुल, कुस्तंतिनिया यूरोप के लिए एक कचोके लगाता सामान बन गया है। यूरोप अब कभी भी, कुस्तंतिनिया कभी भी यूरोप के हाथ में नहीं जा सकता, वो हमेशा तुर्की के हाथ में ही रहेगा। और वहाँ उसका नाम इस्तांबुल यानी इस्लामबुल, उसका नाम ही इस्लामबुल। इसके अलावा एक और नाम है मोहम्मद बिन कासिम का, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान को फतह किया और यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम। देखेंगे अगर तारीख पढ़ेंगे आप, इन्होंने हिंदुस्तान को अमन दिया। जब ये वापस हो रहे थे उस वक्त लोग फरियाद कर रहे थे, रो रो के कह रहे थे कि आप मत जाइए, आप रहिए, आपने जो अमन दिया है। इसके अलावा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगलिया सल्तनत के बानी, और हम में से अक्सर का दावा है कि हम मुगल कौम हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि जहीरुद्दीन बाबर सिर्फ 12 साल की उम्र में फरगाना जैसी हुकूमत का चार्ज संभाल लिया। इसके अलावा तकरीबन 23 साल तक उन्होंने काबुल, खजंद और समरकंद जैसे इलाकों को अपनी काबिज मेहनत के जरिए फतह किया। ये उसी हिम्मत और बहादुरी और मुस्तकिल मेहनत करने और जहाँवानी के काम करने का जज्बा था कि हिंदुस्तान पर उसी उम्र के तहत 5 बार हमले किए, और 5वीं बार अल्लाह ताला ने अपने फजल से 1 लाख सिपाही और 1000 हाथी जैसी जोर आवर फौजी कुव्वत पर फतह दी। उनकी फौज सिर्फ 12,000 थी और हिंदुस्तान जैसे मुल्क को उनके तरों तले बिछा दिया। अजीम मुस्लिम मुगल शहनशाह सिर्फ मैदान जंग का हीरो नहीं था, बल्कि एक अजीम अदीब और शायर भी था। इसके अलावा चूंकि मुगलिया सल्तनत में बादशाही निज़ाम था, यानी हुकूमत खानदान ही में रहती थी, चुनांचे हर बादशाह अपने बाग वाले की बेहतरीन तरबियत करता। चुनांचे बाबर ने अपने बेटे हुमायूं की इतनी बेहतरीन तरबियत की कि अरबी, फारसी, तुर्की जबान जानते हुए मैथमेटिक्स और फिलासफी जैसे मौजूदात में इनकी दिलचस्पी पैदा कर दी। इसके अलावा सिपागिरी और फनून हर्ब में इतने माहिर हुए कि सिर्फ 20 साल की उम्र में वो बदख्शां के गवर्नर बन गए। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर, जिनका नाम हमेशा, पहले मुगल बादशाह हैं जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया, ये पहले मुगल बादशाह हैं। इसके अलावा ये सिर्फ 17 साल की उम्र में दक्कन के गवर्नर बने, और इसके अलावा इस दौरान में उन्होंने कई बगावतों को ख़त्म किया और चंद नए इलाके भी फतह किए। बद के उज़्बेकों की सरगोभी जिस जवां मर्दी से की, उसकी मिसाल तारीख आलम में मुश्किल से मिलेगी। क्योंकि तारीख की एक झलक जिससे वाजे होता है कि एक वो थे मुस्लिम नौजवान जिनसे दुनिया ने बहादुरी, शजाअत और इल्म और हिकमत का दर्स लिया, लेकिन आज उसी कौम के नौजवान की नुमाया सिफात बेकारी, बेरोजगारी, सुस्ती, काहिली, लापरवाही से बताई जाती है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी हैं हमें से अक्सर बरखिलाफ मिसाल पेश करते हैं, लेकिन इन मजमूई तादाद में की मिसाल आटे में नमक के बराबर की है। इन्हीं में मैं बरादर गिरामी कदर मिर्ज़ा मलगूर रहमान नदवी हैं, जो फिलहाल आलमी दानिशगाह दारुल उलूम नदवतुल उलमा में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं।
ये राज्य नशिस्त मुनकिद हो रही है उन्हीं की मुनासिबत से। मैं मुनासिब समझता हूँ कि मौसूफ तालीमी सफर को बयान कर मौसूफ की तालीमी सफर को मैं बयान करूँ। एक तरफ ये उनके मुरब्बियान असातिज़ा के लिए और उनकी खुद मेहनत और सराहियत और उनके असातिज़ा और मुरब्बियान की तरबियती कोशिशों को सलाम होगा, तो वहीं हमारे बहुत से साथियों और बुजुर्गों के लिए फख्र हौसले का सामान है। आप जो उभरते हुए नौजवान अहले कलम और कई महाना यानी मंथली मैगजीन वाल पेपर्स में कॉलमिस्ट और मजमून निगार रहे हैं। उर्दू अरबी मजमून निगारी जारी नवेसी और खतूत निगारी के मैदानों में कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा स्पीकिंग टेबल टॉक करियर काउंसलिंग इस्लामियात और दीगर इल्मी व तहकीकी और अदबी मौजूदात से खूब दिलचस्पी है और अपनी इन सलाहियतों और दिलचस्पियों का मुजाहरा कैंपस के प्रोग्राम और इंटरनेशनल और नेशनल सतह के प्रोग्रामों में खूब किया है और कई मरतबा कामयाबियाँ भी हासिल की है। 2021 में आलमी शोहरत याफ्ता इंस्टीट्यूट दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से इम्तियाजी नंबरात के साथ फरागत हासिल हुई है। इसी दौरान 2020 में यूपी एजुकेशन बोर्ड से 80% के नंबरात से फर्स्ट डिवीजन पास किया है। अभी इस्लामिक कानून फिकह इस्लामी से नजरे में फजीलत कर रहे हैं। असली तालीम अभी जारी है। इस मौके पर मैं जनाब तमाम मुरब्बियान और असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ, इसी तरह गांव के तमाम लोगों का कि आप लोगों ने इनके लिए दुआएं की, तब जाकर ये इस दर्जे पर पहुँच सके। इसके अलावा मैं इस मौके पर उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना मसूद अरब नदवी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन पर खुशी तवज्जो दी, तब जाकर इनको ये मकाम हासिल हुआ। उस्ताद मोहतरम कई एतबार से लायक तहसीन हैं। आप तालीमी मुंतजिम अरबी ज़बान व अदब फ़िक्र इस्लामी के मायनाज उस्ताद हैं, रिसर्च एंड मीडिया सेंटर लखनऊ के डायरेक्टर, उम्मत फाउंडेशन सीमांचल बिहार और ग्लोबल एकेडमी फॉर्म इंडिया के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। मुख्तलिफ इल्मी और समाजी प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने तुर्की सऊदी अरब और इसी तरह मिस्र का सफ़र किया है और इंडिया के करीब करीब तमाम शहरों और सूबों का इनका सफ़र है। अब मैं वक्त को तूल न देते हुए मैं जनाब मिर्ज़ा मज़हर रहमान नदवी को दावत देता हूँ कि वो कलिमात से नवाजे जो हमारे लिए मसले राम الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أما بعد صدر علي مرتبت وطن عزيز گرری کے اسکالرز طلباء معززین اور شرکائے بزم آج کی اس اعزازی تقریب میں ہم آپ کی خدمت میں ایمان اور علم کا مشترکہ سلام پیش کرتے ہیں۔ گرری میں پیدا ہوئے، حفظ قرآن کی تکمیل ہوئی، یہاں کی گلیوں میں گھومے پھرے، نانیال دادیال سب یہیں، خاندان رشتہ دار سب یہیں۔ آج میرے لیے اور ہمارے رفقا کے لیے یہ اعزازی تقریب رکھی گئی ہے۔ اپنے ہی گاؤں میں میزبان ہونے کے ساتھ ساتھ مہمان بن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی و مسرت کا موقع ہے اور یہ سب در حقیقت عزیزوں، دوستوں اور قدردان احباب کا کی محبت ہے اور اس کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں عطا ہو رہی ہیں۔ اندر سے اس کی خواہش بالکل بھی نہیں، لیکن حوصلہ افزائی کی روایت ایک امانت ہے، نسلاً بعد نسلاً جس کی منتقلی ضروری ہے۔ اور یہ اعزازی تقریب کوئی نئی چیز نہیں ہے، جب حفظ قرآن کی تکمیل ہوتی ہے اس وقت دستار بندی کا پروگرام ہوتا ہے، اسی طرح میٹرک انٹر وغیرہ کے موقع پر جب طلبہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈویژن سے پاس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور بھی الگ الگ مواقع پر اس طرح کی تقریب حوصلہ افزائی کی منعقد ہوتی رہتی ہے۔ یہ امت مسلمہ کی حیثیت سے اور سینکڑوں سالہ جو مغلوں کی تاریخ رہی ہے، اس میں حوصلہ افزائی کی روایت رہی ہے۔ ایسے میں بطور مسلم مغل اور اس روایت کو برقرار رکھنا، اس کی قدردانی کرنا اور اس کو نئی نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے آج کی یہ اعزازی تقریب بہت خوش آئند، حوصلہ افزا اور قابل صد شکر و سپاس ہے۔
इसके लिए हम लीव टू लीड व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स, शुरका, सदर आली मर्तबत और आज की इस बज़्म की रिवायत कायम की जा रही है, मुर्दा रिवायतों को ज़िंदगी मिल रही है। एक बार फिर हम इस तकरीब के हवाले से आपसे एजाज़ पाकर कल्बी मसरत का इजहार करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें इस लायक बनाया और इस मकाम तक पहुँचाया। आज हम आपसे ये एहसास हासिल कर पा रहे हैं। फिर अब हम अपने वालदैन के ममनून हैं कि जिनकी पे हम दुआओं और सालेह तरबियत के नतीजे में आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। इसी तरह हम अपने ग्रामी कदर उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना मसूद आलम नदवी साहब के भी बहुत ही ज़्यादा ममनून हैं कि उनकी मुसलसल कोशिशों और उनकी फैज़ सोहबत की वजह से आज हम इस लायक हो पाए कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दारुल उलूम नदवतुल उलमा की स्टूडेंट यूनियन के लीडर मुंतखब हो पाए हैं। इसी तरह हम मादरे इल्मी अशरफुल उलूम कन्हवा और वहाँ के असातिज़ा में खुसूसन मेरे मामू जनाब मौलाना बशारत करीम साहब और इसी तरह मदरसा मदरुल इस्लाम बिलोशपुरा लखनऊ, मदरसा सैयदना बिलाल लखनऊ, वहाँ के असातिज़ा में खुसूसन मौलाना अबुल जैद साहब लखनऊ और मादरे इल्मी दारुल उलूम नदवतुल उलमा वहाँ के मुशफिक असातिज़ा, रिसर्च एंड मीडिया सेंटर दारुल बहस वल इलाम अल्लिकाउ सकाफ़ी लखनऊ और इस तरह हमारे बहुत सारे अहबाब हैं और अकारीब हैं जिनकी दुआओं, उनकी मोहब्बतों और उनकी कोशिशों की वजह से आज हम इस लायक हो पाए हैं कि हम अपने ही गांव में मेज़बान होते हुए मेहमान बन रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी बेहतरीन उनको बेहतरीन बदला दे और उन्हें और हमें मुल्क मिल्लत और दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। वक्त चूंकि ज़्यादा नहीं है, इस मौके से हम तीन बातें अपने जूनियर से कहना चाहेंगे और चार बातें सभी लोगों से कहना चाहेंगे। वो तीन बातें मैं जो अपने जूनियर अहबाब से कहना चाहता हूँ वो ये हैं कि जब कभी हम अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे तो उस मौके से हमें तीन चीज़ें नज़र में रखनी हैं, जिस एतबार से अगर हम उसको नज़र में रखेंगे और उस एतबार से हम अपने सफ़र को शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमको अपना गोल सेट करना है, अपना एम मुतय्यन करना है, अपना हदफ मुतय्यन करना है कि हमें उस गोल तक पहुँचना है इतने सालों में। ये एक चीज़ मुंतखब करनी होगी और मुतय्यन करनी होगी, बग़ैर उसके कामयाबी मिलनी नामुमकिन और मुश्किल है। जब हम ये मैदान मुंतखब कर लेंगे कि हमें इस मैदान में उस मकाम तक पहुंचना है और इस मैदान में कुछ नुमाया कारनामा अंजाम देना है और इसमें इस लाइन से हम दीन की खिदमत, मुल्क व मिल्लत की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हम वो मकाम ज़रूर हासिल कर लेंगे। जिस तरह ट्रेन चलती है उनका स्टॉपेज और उनका स्टेशन हमें मुतय्यन करना होगा, तभी जाकर वो मुसाफिरों को उसके मकाम और उस मंजिल तक पहुंचाएगी। उसी तरह हमें भी अपनी कैरियर के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए मैदान को मुंतखब करना होगा और फिर उसके लिए मुसलसल कोशिशें करनी होंगी तो हम उस मकाम तक इंशाअल्लाह पहुँच जाएँगे। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि वालिदैन, असातिज़ा, अहबाब व अकारिब, मुहसिनीन की इताअत, उनका एतमाद, उनसे मशवरा, उनसे दुआएं हमेशा हासिल करती रहनी होंगी। उनको साथ लेकर, उनको उनका एतमाद बहाल करके, उनसे मशवरा लेकर और उनसे हमेशा रابطे में रहकर आप अपने सफ़र को जारी रखें और अपने काम को अंजाम दें। इकबाल का एक शेर है, मिल्लत के साथ रابطा उस्तवार रख, मिल्लत के साथ रابطा उस्तवार रख, पैवस्तरह शजर से उम्मीद बहार रख। आप अपने वालदैन, अपने अहबाब, अपने मुहसिनीन, उनके साथ मिलकर, उनसे मशवरा करके, उनकी रजामंदी के साथ अपने सफ़र को जारी रखेंगे और उनकी तरबियत में आप अपने सफ़र को पूरा करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर आपके लिए कामयाबी मुकद्दर होगी। एक तीसरी और आखिरी चीज़ दुआ है। दुआ मोमिन का हथियार है और अल्लाह की जानिब से अता करदा ये बहुत ही अहम चीज़ है। हमें इससे भी अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर मदद लेनी चाहिए और हर मुश्किल मामले में हमें इसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें हम अपने जूनियर जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनसे मुखातब होकर कह रहे थे। उसके अलावा चार चीज़ें मज़ीद मुझे कहनी हैं इस मौके से, जो हम सभी लोगों के साथ कहेंगे और ये मेरा पैगाम जहाँ तक पहुँचे वो सब लोग मेरे इसके मुखातब हैं। सबसे पहले ये कि इल्म का हुसूल और उसकी क़द्रदानी करना और उस पर माल खर्च करना, ये एक पॉइंट है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा है इत्तेहाद व इत्तेफाक, हमें आपस में मोहब्बत फैलाना है, ना इत्तेफाकियों को ख़त्म करना है। कीना है, जलन है, बुग्ज़ है, हसद है, इस टाइप की जो भी ना इत्तेफाकियाँ हमारे दरमियान पाई जाती हैं, हम कोशिश करें कि इन चीज़ों को ख़त्म करें, मोहब्बत को आम करें। नंबर तीन, मर्दों के साथ औरतों की तालीम की फ़िक्र करें और उनका भी निज़ाम बनाएं और उनका नज़्म करें और जहाँ नज़्म हो पाया है, हो चुका है, हम इस सिलसिले में अपनी बेटियों और बहनों की तालीम की फ़िक्र के उसमें वहाँ उनको पहुँचाएँ और वहाँ उनकी तालीम दिलाएँ। तीसरी
चौथी चीज़ ये है कि अलग अलग अफराद पर, अलग अलग टाइप के लोगों पर हमें मेहनत करनी होगी। इकबाल का शेर है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग सलाहियतें होती हैं। एक इंसान है वो अच्छा स्पीकर बन सकता है, वो अच्छा राइटर बन सकता है, कोई अच्छा किसान बन सकता है, कोई अच्छा पेंटर बन सकता है, कोई चीज़ों को याद रखता है समझा नहीं सकता, कोई चीज़ों को याद नहीं रख पाता लेकिन समझा सकता है, कोई दोनों कर लेता है लेकिन वो कोई काम नहीं कर सकता, वो फिज़िकली कमज़ोर है। इस तरह से अलग अलग क्वालिटी के हमारे दरमियान लोग मौजूद होते हैं, हर मुआशरे में मौजूद होते हैं। हमें ये चाहिए कि हम हर तरह के लोगों को समझकर उनको साथ लेकर अपने मैदान में काम करें और उनको साथ लें। अगर हम एक को तेज़ कहकर, एक को अमीर कहकर, एक को गरीब और बोदा कहकर, एक को अहमक और बेवकूफ़ कहकर अगर हम उनको निगलेक्ट करेंगे और उनको हम उस पर तवज्जो नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो वही शख्स बाद में किसी दूसरे मैदान को, दूसरे फील्ड को मुंतखब कर लेगा और उसके ज़रिए से फिर हमारे माशरे में और हमारे गांव में बुराई और दीगर चीज़ें पैदा होंगी। इसी तरह एक चीज़ जो मैंने बताई कि इल्म का हुसूल, ये बहुत अहम और ज़रूरी है। ज़ात पात, बिरादरीवाद, रंग, नस्ल और कौमियत, ये सब नासूर हैं, अमराज हैं। हम मुग़ल हैं, हम शेख हैं, हम सैयद हैं, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। ये चीज़ें जब इंसान के अंदर पैदा हो जाती है तो फिर वो उसके लिए भी ख़तरनाक होती है और पूरे मुल्क के लिए, पूरी मिल्लत के लिए, पूरे माशरे के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़्वा। कुरान करीम में भी है, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़िकरिन व उन्था व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइल लितअरफू। मतलब ये है कि ये चीज़ें जो तकसीम की गई हैं कि कोई मुग़ल है, कोई शेख है, कोई सैयद है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये अल्लाह की तकसीम है और उसने तकसीम इसलिए किया है या किसी को अमीर और गरीब इसलिए बनाया है कि ये दुनिया का निज़ाम चलता रहे और उसके साथ ये सिलसिला एक दूसरे के तआवुन का, एक दूसरे से मिलने जुलने का जारी रहे। अगर एक ही आदमी को अल्लाह ताला हर चीज़ से नवाज़ देगा तो उसके अंदर फ़ख्र, घमंड, गुरूर, तकब्बुर, ये चीज़ें पैदा हो जाएंगी और किसी को कुछ नहीं देगा तो फिर उसका भी दिल टूटेगा। तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि हमें हर एक को साथ लेकर और हर एक तरह के फ़र्द को साथ लेकर काम करना होगा। तो इल्म की जो बात है वो मुग़ल हो या उज़्बक हो या तुर्की में हो या सलजूकी हो या मिस्री हो, जो भी कौम, जो भी दुनिया में कौम तरक्की कर पाई है, चाहे आज यूरोप तरक्की कर रहा है, वो सब दरअसल इल्म की बुनियाद पर है और इल्म की हुक्मरानी पर है। उन्होंने तमाम चीज़ों पर तो फोकस किया ही कि हमें इन मैदानों में काम करना है। मुग़ल जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ हरियाली नहीं है, हमें हरियाली पैदा करनी है, यहाँ गरीबी है, हमें खुशहाली लानी है, यहाँ ये इलाका पसमानदा है, मुझे उसको तरक्की याफ्ता बनाना है। तो उन्होंने सारी चीज़ों को देखा और उन सब में उन्होंने इल्म को आगे रखा। इसी बिना पर बाबर, जो हुक्मरा होने के बावजूद, शदीद मसरूफियात के बावजूद रोज़ाना डायरी लिखता था कि आज उसने क्या काम किया, और उस डायरी लिखने के नतीजे में तुस्की बाबरी जैसी अहम किताब और मुग़लों की तारीख़ की एक अहम चीज़ उसने छोड़ कर गए हैं। इसी तरह औरंगज़ेब आलमगीर, जो मुग़ल और बहुत ही अहम बादशाह गुजरा है, उन्होंने फतावा आलमगिरी, फ़िक्ह फतावा की एक ज़खीम और मर्जा किताब तैयार कराई है। इसी तरह और भी तिब है, मेडिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, इस लाइन से मुग़लों ने बहुत तवज्जो दी और इस तरह तवज्जो दी कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया और लोग यहाँ इस नतीजे में आए। इसी तरह आज ये शानदार इमारत, लाल किला, ताजमहल और इस तरह की जो इमारतें उन्होंने बनवाई हैं, ये किसी जहालत की बिना पर नहीं मुमकिन हो सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की कारीगरी की गई है कि जो एक इल्म और केमिस्ट्री और फिज़िक्स और इस टाइप की जितने उलूम हैं, साइंस वगैरह के, इसको जानने ही वाला शख्स इतनी कारीगरी के साथ और नक्काशी के साथ उसको बना सकता है। तो मुग़लों ने भी अपने दौर हुकूमत में इसका बहुत ख्याल रखा कि हम इल्म को किस तरह फ़रोग दिलाएं और हम लोगों को, सबको साथ लेकर, सबके एतमाद को बहाल करके किस तरह काम करें। तब उन्होंने काम किया और पूरी दुनिया में, बल्कि कहीं खुसूसन बर्र सगीर में 300 साला
उसने जो हुकूमत की है ये एक बेमिसाल और तारीख साज और रहती दुनिया तक वो मिसाल देने वाली हुकूमत कायम करके गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर कि उन्होंने अपने ज़माने के तमाम लोगों को हत्ता कि गैर मुस्लिमों को भी साथ लिया और उनके साथ काम किया और इल्म की बुनियाद को उन्होंने इल्म को बुनियाद बनाया और इस तरह उन्होंने तरक्की हासिल की। एक और चीज़ थी कि हमें औरतों को भी तालीम देना है। हम ये बात कहते हैं कि औरतों की तालीम देना क्यों ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरह के मर्द को घर के बाहर की जिम्मेदारियां अंजाम देना है, नौकरी करना है, पैसा कमाना है, ये जो चीज़ें हम कहते हैं कि करना है, उसी तरह औरतों को भी घर के अंदर के निज़ाम को चलाना है, बच्चों की तरबियत करना है और इस तरह के अंदर के जो मसाइल होते हैं वो उन्हीं को समझना समझाना है। अगर एक औरत तालीम याफ्ता होगी तो मुआशरा तालीम याफ्ता होगा और एक मर्द तालीम याफ्ता होगा तो बस मर्द तालीम याफ्ता होगा। जब हम अपने औरतों को लेकर वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम कहते हैं लेडीज़ डॉक्टर होनी चाहिए हमारे घर की औरतों के लिए, वो देखें, तो हम क्यों अपने घर के लोगों को वैसा नहीं तैयार करते और इसके लिए कोशिशें नहीं करते। मर्द और औरत ये गाड़ी के दो पहिए हैं, जब एक पहिया सही होगा और एक ख़राब होगा गाड़ी चली नहीं सकती। दोनों को सही रखना और दोनों का ख्याल रखना और दोनों को वो चीज़ फराहम करना जो उसके लिए ज़रूरी है, ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम उसकी तवज्जो करेंगे और ये ख्याल करेंगे कि ये गाड़ी है, इनको भी साथ में लेकर चलना है। इसी तरह मर्द और औरत को कुरान में लिबास कहा गया, हुन लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। लिबास का कोई एक हिस्सा, कोई एक ज़र्रा, कोई एक पहलू भी अगर ख़राब होगा तो वो शख्स या वो आदमी मुआशरे में सही से चल नहीं पाएगा, उसको थोड़ी अपने अंदर कमी महसूस होगी, दूसरे लोग भी टोकेंगे कितना ख़राब लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो हमें इसका भी ख्याल रखना है कि मर्दों के साथ साथ बच्चों के साथ साथ बच्चियों की तालीम का भी नज़्म करना है। ये दोनों बातें बहुत अहम हैं। और एक आखिरी ये बात है कि हम गर्री जैसे मर्दों खेज इलाके में रहते हैं और इसी तरह जो इधर कुमरौली जाले और ये पूरा दरभंगा ये बहुत ज़रखेज़ इलाका है, यहाँ अलग अलग ज़माने में अलग अलग लोग बहुत अहम अहम मैदानों में गए हैं यहाँ से काम करके और यहाँ से पढ़ लिख कर। अभी वक्त नहीं है जिसकी मिसालें मैं देता, मैंने देखा है किताबें बहुत सारी ऐसी हैं जो तारीख में और इस सिलसिले में हैं। आज भी ये जैसे हमारा मदरसा है, ये इसी तरह हमारे हुसैन भाई हैं ये वहाँ अपने मदरसे में काम कर रहे हैं, हमारे खालू जान हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, इसी तरह स्कूल है और कोचिंग सेंटर्स हैं मुख्तलिफ, महबूब सर की कोचिंग है, ज़फ़र सर की, इस तरह की कोशिशें हो रही हैं इल्म की राह में और उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। लेकिन ये सब कोशिशों को यूनाइट करना, इसको जमा करना और इस तरह के साल में दो तीन प्रोग्राम्स करना कि जिसके ज़रिए से हम उम्मत को और मिल्लत को कोई पैगाम दें और यहाँ के लिए कुछ ख़ास काम करें, ये नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी मेहनत या हमारी जो चीज़ें कोशिशें हो रही हैं वो उस मकाम तक नहीं पहुँच रही हैं कि हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद इतने ज़्यादा आलिम, हाफिज़, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मास्टर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जा रही हैं, ये सारे लोग हैं, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा ऐसा नहीं पहुँच रहा है जो एक रिकॉर्ड या एक आइडियल या एक नमूना कहा जाए या उससे लोग सबक लें। तो हमें यहाँ से और आज की इस तकरीब से ये दो तीन चीज़ें सीख कर जानी हैं कि हम इल्म का हुसूल करें और इल्म के मैदान में आला से आला डिग्री हासिल करने की कोशिश करें, इल्म दोनों तरह का हासिल करें। अगर हम सिर्फ अंग्रेज़ी और असली तालीम हासिल करेंगे तो हम मगरिब के ग़ुलाम बनने के करीब होंगे और उनकी चापलूसी करने वाले बन सकते हैं अगर हमारी तरबियत सही नहीं हुई। और अगर हमने सिर्फ दीनी मदरसे की तालीम हासिल की, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इस तरह साइंस, सोशल साइंस वगैरह का इल्म हासिल नहीं किया, तब भी हम नाक़िस और अधूरे रहेंगे, मौजूदा दुनिया में आप दावत का सही काम अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो हमें इल्म दोनों तरह का हासिल करना है, उसकी फ़िक्र करना है, उस पर माल खर्च करना है। शादियों में, दुकानों में, घरों पर हम अपना माल बहुत खर्च करते हैं और इल्म की राह में कहा जाए कि माल खर्च करना है, चंदा देना है, तो हम नहीं देते हैं और सोचते हैं। तो इस पर अपने माल को खर्च करें, इस सिलसिले में कोशिश करें। एक दूसरी बात थी इत्तेहाद व इत्तेफाक, आपस में बिल्कुल भी जिस तरह के हमारे अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, इसी वजह से हमारा जवाल हुआ है मुगलिया हुकूमत का और आज जो मुस्लिम उम्मत पिट रही है उसकी भी वजह यही है। हमें अपने अंदर से ये ख़त्म करना है, नौजवानों को आगे आना है। एक शायर ने शेर कहा है कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्र ख़यालात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं,
तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। हम अपने अंदर ये अज़्म पैदा करें और ये हौसला पैदा करें कि जो चीज़ें और जो बातें अभी कही गई हैं, अगर हम अपने ज़रिए से दूसरों तक उसका पैगाम पहुँचाएँ और ख़ुद हम अपने ज़ात से उसकी शुरुआत करें, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा कि जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, या जो हमारा वरसा है मुग़लों का, जो इख्तदार का, हुकूमत का, लीडरशिप का, वो हम अपनी तारीख को दोहरा सकते हैं और इस तरह से हम कामयाबी का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। एक बार फिर सबका शुक्रिया। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम ब्रादरम को ये उम्मीद दिलाते हैं कि इंशाल्लाह जिन बातों पर इन्होंने तवज्जो दिलाई है, ख़ास तौर पर इत्तेहाद और इत्तेफाक हो, तालीम हो और इसी तरह समाजी कामों में दिलचस्पी हो, इंशाल्लाह हम तमाम लोग इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो देंगे। इसके बाद मैं जनाब मिर्ज़ा यूसुफ बेग कासमी साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने तासुरात से हम तमाम सामेईन को, मिर्ज़ा नफीस बेग साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और तासुरात से हम सामेईन को मुस्तफीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हामिद व मुसल्लिम व मुसल्लिमन अम्मा बाद। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसी से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अल्लामा फरमाते हैं, कब तलक तूर पे दरियू ज़गरी मिसले कलीम, कब तलक तूर पे दरियू ज़गरी मिसले कलीम, अपनी हस्ती से आया शोले सीनाई कर। हमारी आज की इस तकरीब में, आज की इस महफिल में ज़्यादातर जो सामईन हैं वो नौजवान हैं और कुछ बच्चे भी हैं और ज़्यादातर तलबा हैं जो या तो किसी मदरसे में तालीम याफ्ता हैं, किसी मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं या कहीं स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। आज की जो तकरीब मुनाकिद की गई है, ये अज़ीज़म मौलाना मरगूब रहमान साहब नदवी के एज़ाज़ में ये तकरीब मुनाकिद की जा रही है। उन्हें दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के स्टूडेंट यूनियन का सदर मुंतखब किया गया है। मुझे, मेरा ख़्याल है, मेरी दानिश में ये इस तरह की पहली तकरीब है जो मुनाकिद की जा रही है हमारे गाँव में, कि हमारे गांव के जो बच्चे बाहर में तालीम हासिल कर रहे हैं वो अगर कुछ अचीव करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई की जाए। मेरे ख़्याल में अभी तक इस तरह की कोई तकरीब मुनाकिद पहले नहीं की गई है। ये एक अच्छा सिलसिला शुरू हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी अगर हमारे जो तलबा हैं वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, मदारिस में कुछ अच्छा करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनको उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए इस तरह की तकरीब मुनाकिद की जाए, ताकि वो उन मदारिस में, उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में और बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस महफिल और इस तकरीब के ऑर्गेनाइज़र का और साथ ही मैं मौलाना मरगूब रहमान साहब नदवी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये मकाम हासिल किया और आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस तरह की तकरीब से आप अपने हौसले को भी बढ़ाने की कोशिश करें और इस तरह ये है मर्तबा है उसको हासिल करने की कोशिश करें। माशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास वक्त सिर्फ 15 मिनट है, हम चाहेंगे कि ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम करीब 40 मिनट लेट शुरू हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपने सामीन और शुरका को मायूस न करें और उनको बोर न दिलाएं। हम इसके बाद मिर्ज़ा कासिद बेग साहब को दावा देते हैं कि वो आएँ और 1-1.5 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सलातु व सलाम अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबी अजमाईन। उस्ताद मोहतरम और आज के जलसे के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी की इजाज़त चाहते हुए मैं आप हजरात के सामने लबगुशाई की जुरत कर रहा हूँ। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जैसा कि सारी बातें आ गई हमने सुना तो हमारे अंदर ये बात पैदा होनी चाहिए, जिस तरह मौलाना मरगूब रहमान साहब ने एक बात ये शुरू में अर्ज़ की कि हमें जो चीज़ अचीव करनी है वो हमारा गोल और हमारा एम फिक्स होना चाहिए। उसके एतबार से हमें हमारी मेहनत, हमारा लगन और हमारे अंदर शौक और जज्बा सब होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुजतमा होंगी तो फिर हमें अपना गोल अचीव करना आसान हो जाएगा।
اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہر آدمی اپنا گول اور اپنا ایم اور فکس کرے اور اس کے اعتبار سے اپنے اساتذہ کے اور اپنے مربیوں کے ساتھ لگ کر کوشش کرے۔ اس لیے کہ امام شافعی کا ہی قول ہے غالباً کہ جس کا کوئی استاد نہیں اس کا استاد شیطان ہوتا ہے، من لیس له استاد فاستاذه الشیطان، کہ جس کا کوئی استاد نہیں اس کا استاد شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے جس حال میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، اچھائی ہے برائی ہے، ختم ہوگی، جو ہے آئے گا، جو نہیں ہے انشاءاللہ سب پورا ہوگا، لیکن اس کے لیے اپنے اساتذہ کے انتخاب کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ لگے رہنا۔ اور جیسا کہ انہوں نے اپنی مثالیں دی اور تذکرے میں مدارس کا تذکرہ آیا اور مدارس کے تذکرے میں خصوصاً اساتذہ کا تذکرہ آیا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں جو اچیو کی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو حاصل کی ہیں وہ اساتذہ کی بہت ساری قربانیاں رہی ہیں ان کے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اساتذہ کو سعادت دارۂ نصیب فرمائیں جو باحیات ہیں، اور اگر ان میں جو نہیں ہیں گزر گئے ہیں اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائیں۔ اور ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ ایسا پہلا موقع ہے اس گاؤں میں بھی اور اس مدرسے سے تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے بھی کہ آج کی شام جو بھی تھوڑا بہت ہو، گزشتہ 1998-97 کے بعد آج پہلا موقع ملا ہے کہ مدرسے میں تھوڑا لمحہ گزارنے کا موقع ملا، یہیں کی چٹائی اور یہیں کے اساتذہ، ان کی صحبت اور ان کی برکت سے آپ حضرات کے سامنے آج کھڑا ہوں۔ اس لیے میں بھی اپنے اساتذہ کا شکر گزار ہوں اور تمام لوگوں کا جو اس مدرسے سے اب تک جڑے ہوئے ہیں، جو باحیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو اس مدرسے سے جڑے ہوئے تھے اور گزر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایک بار اور آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے بھی موقع دیا، اور ان حضرات کا بھی شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس کے بعد میں جناب قاری صف الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصراً اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریب جو منعقد کی گئی ہے اس کو ہمیشہ ہونی چاہیے، ایسی تقریب برابر ہونی چاہیے، اس سے نوجوان بچوں کو حوصلہ ملتا ہے اور بچے اس سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اس لیے اس قسم کی تقریب منعقد ہوتی رہنی چاہیے۔ اور دوسری چیز علم کی بات ہے، تو علم حاصل کرنے میں جب تک اخلاص پیدا نہیں ہوگا اور لگن پیدا نہیں ہوگا ہم اپنی منزل کو کبھی نہیں پہنچ سکتے، اپنی منزل کو کبھی نہیں چھو سکتے۔ تو بہت ساری بات ہمارے عزیزوں نے کہہ دیا، تو علم کے لیے جو شرط ہے وہ اساتذہ کا ادب اور درسگاہ کا ادب اور جس چیز کو پڑھ رہے ہیں اس کا ادب، یہ تینوں ادب جب ہوگا شامل تو علم آئے گا۔ اگر اس تینوں میں اگر کمی رہ گئی تو علم میں کمی رہ جائے گی، اس لیے بچوں کو اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ اپنے اساتذہ کا احترام، اپنے درسگاہ کا احترام اور اپنی کتاب کا احترام۔ بس اسی باتوں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں جناب کو امید دلاتے ہیں ہم تمام لوگ کہ انشاءاللہ جن باتوں کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے انشاءاللہ کتابوں کا، اساتذہ کا اور ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ ہم لوگ ادب محفوظ رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم جناب مولانا مہتاب عالم قاسمی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے تاثرات سے ہم تمام لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر شاہی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور اپنے بڑوں سے سنا جو بار بار کہا کرتے تھے اپنے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہ عمل پہم اور جہد مسلسل جس شخص کے اندر میں ہوگا وہ کامیابی کامرانی کی منزل کی جانب گامزن ہو کر فا
فلاح و ترقی پا جائے گا۔ عربی کا بھی ایک مقولہ ہے کہ من جد وجد، جس نے کوشش کیا اس نے پا لیا۔ تو طلباء کرام سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کا وقت ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جو وقت گزر گیا اگر آپ نے صحیح طور پر اس کا حصول نہیں کیا ہے تو وہ ضائع چلا گیا۔ اب بھی وقت ہے، اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں، وقت کا ضیاع نہ کریں۔ جب وقت گزر جائے گا تو افسوس ہوگا، کفے افسوس ملنا پڑے گا۔ تو آنے والے وقت کے اندر میں پھر آپ کو جب پشیمانی ہوگی، شرمندگی ہوگی، تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے واضح مثال ہے عزیزم بابو مرغوب الرحمان صاحب کی، کہ انہوں نے کوشش کی اور فلاح پائی، ان کے اعزاز کے اندر میں تقریب منعقد ہوئی، میں بھی خوش ہوا، آپ لوگ بھی خوش ہوئے ہوں گے، آپ کے دل میں بھی یہ خواہش ہوگی کہ کاش ایسی تقریب میرے لیے بھی منعقد ہوتی۔ میں ان کو شاباشی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ایسے ہی انشاءاللہ العزیز وہ آگے ترقی کی منزلیں طے کریں گے۔ اللہ حافظ۔ اس کے بعد میں آنریبل جناب مرزا مقصود بیگ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب اسٹیج پر آئیں اور اپنے ناصحانہ اور حوصلہ افزا کلمات سے ہم تمام لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، آپ سارے موجود حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ نہ میں کوئی عالم دین ہوں اور نہ اسلامی اسکالر، میں دینی تعلیم حاصل کی اور نہ دین سے تعلق ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کی، دنیاوی حاصل تعلیم حاصل کرنے کے بعد اللہ نے جس مقام تک پہنچایا اللہ کا شکر گزار ہے۔ آپ سارے لوگوں کی باتوں کو سننے کے بعد میں صرف تین باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ حصول علم کے لیے آپ کا کنسنٹریشن مضبوط ہونا چاہیے۔ کنسنٹریشن کا مطلب کہ آپ جو جس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اس پہ آپ کا ذہن پوری پوری طور پہ مرکوز رہنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ آپ کے اندر ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے۔ ڈیڈیکیشن کا مطلب کہ آپ کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں پورے حوصلے کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ جس بندے نے ٹائم مینجمنٹ کیا وہ علم کے حصول میں آگے بڑھے گا، جس کا ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوا، جس نے اپنے وقت کو مقرر نہیں کیا کہ کب ہمیں کون سا کام کرنا ہے اور کب کون سا کام نہیں کرنا ہے، تبھی آپ کچھ کر پائیے۔ یہ تین چیز جس نے اپنی زندگی میں داخل کر لی وہ انشاءاللہ کامیابی کی اونچی سے اونچی منزل تک پہنچے۔ اور یہ تین چیزیں جس بھی طالب علم کے اندر نہیں رہی وہ شاید کامیابی کے منزل پہ نہیں پہنچ پائے۔ یہ مثال میں جو ہندوستان کے صدر بھی منتخب ہوئے، صدر رہے، اور ہندوستان میں سب سے پہلے میزائل کا جو تجربہ کیا، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا میں مختصر طور پر بیان کروں۔ وہ بچپن میں پرائمری اسکول کے لیے، پرائمری ایجوکیشن میں، وہ مٹھ کے ایک اسکول میں ان کا داخلہ ہوا۔ وہاں جتنے ٹیچر تھے سب پنڈت تھے، ظاہر ہے کہ مٹھ میں پنڈت ہی رہتے ہیں، سارے ٹیچرس اس میں پنڈت تھے۔ ایک سنسکرت کا ٹیچر تھا جو بڑا متاثر تھا، ڈاکٹر ذاکر صاحب اے آر رحمان جو صدر منتخب ہوئے تھے، وہ آگے بینچ پر آ کے بیٹھ گئے۔ آگے بینچ پر، پہلے بینچ پر انہوں نے جگہ لی۔ اس سنسکرت کے ٹیچر نے ان سے پوچھا کہ نام کیا ہے، انہوں نے اپنا نام بتایا، کہا کہ بھائی تمہاری جگہ آگے نہیں ہے، تم پیچھے جاؤ۔ وہ اپنا بیگ لیے جا کے پیچھے بیٹھ گئے۔ ہفتہ دس دن کے بعد ان کی جو صلاحیت، ان کے اندر جو انٹیلیجنس،
था उससे वो संस्कृत टीचर कायल हुआ, और कायल होने के बाद उसने कहा कि भाई अब जगह अपने आप आगे लो, वो आगे आके बैठने लगे। महीने दिन के बाद उस पंडित ने उनसे कहा कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर, घर ले गया। अब उसकी अहलिया को जब मालूम हुआ कि यह बंदा मुसलमान है तो उसको बाहर से ही रवाना कर दिया, और अपने शौहर को पंडित जी को बड़ा बड़ा भला कहा कि तुम मुसलमान को क्यों लेके आ गया। वो वहाँ से वापस आ गया, लेकिन हौसला उन्होंने अपना फर्स्ट नहीं किया। क्लास में नुमाया नंबरात से हमेशा कामयाब होते रहे, हमेशा अव्वल मकाम हासिल करते रहे। फिर कुछ दिनों के बाद वो पंडित जी फिर उनको अपने घर पे लेके गए। उसकी अहलिया ने उसका पूरा खैर मकदम किया, घर के अंदर भी जगह दी, और खाने के लिए अपना जो उसका बावर्ची खाना था, जो उन लोगों का रिवाज था पहले कि पीढ़ा पर बैठ के पटरा जिसको हम लोग कहते हैं उस पर बैठ के खाना खाते थे, तो पहला उसको अपने किचन में अपने बावर्ची खाना में जगह दिया, अपने पीढ़े पर बैठा के अपने बर्तन में उनको खिलाया, और पूरी उनका खैर मकदम करके उनको वापस किया। तो वही आदमी जिसको पंडित ने पीछे बैठाया था वो आदमी हिंदुस्तान का सदर होके रिटायर हुआ, और हिंदुस्तान का पहला मिसाइल मैन। डेडिकेशन जो मैंने पहले बताया कि आपका कंसंट्रेशन, डेडिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये तीन चीज़ आपके अंदर होगी आप कामयाबी के मंजिल को छू लोगे। ये तीन चीज़ें नहीं होगी आप पीछे पड़ जाओगे। एक जगह मैंने एक शेर पढ़ा था कि न तहरीर से मुमकिन है न तकरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे। आपका किरदार, आपका अखलास, आपका खलूस और अपने छोटे और अपने से बड़े की मोहब्बत आपके अंदर होगी, फिर आप कामयाबी की ऊँची से ऊँची मंजिल पहुँचोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कामयाबी कोसों दूर रहेगी। तो ये तीन ट्रिक्स जो है एजुकेशन का, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, इसको आप लोग अपनाओ। मेरी अपनी ज़ाती तजुर्बे की बात है, अपने ज़ाती तजुर्बे के बिना पर मैं कह रहा हूँ, ज़ाती तजुर्बे के बिना पर कह रहा हूँ कि ये तीन चीज़ जिसके अंदर आ गई वो कभी दुनिया में नाकाम नहीं होगा, वो हमेशा कामयाबी के जीने को लांघता हुआ ऊपर चला जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सारे तलबा और मौलाना अब्दुल्ला साहब और मंच पर बैठे हुए हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। यहाँ हाल बेकसों का क्या कोई क्या सुनेगा जाहिर, अब किसका शेर है याद नहीं हमको। यहाँ हाल बेकसों का क्या कोई क्या सुनेगा जाहिर, यहाँ सब के सब फरिश्ते कोई आदमी नहीं है। दूसरा का है जाहिर साहब का कि ये चमक तेरे जबी पे ज़रा दिल भी देख जाहिर, ये चमक तेरी जबी पे ज़रा दिल भी देख जाहिर, जो जगह है रोशनी की वहीं रोशनी नहीं। और फारसी में पढ़ा था, भूल रहे हैं, एक गीदड़ ने कहा कि पेदरम सुल्तान बोल, दूसरे ने कहा कि दरीजे शक, तीसरे ने कहा कि अरे गधा तुम्हारा बाप बादशाह था, इसमें कोई शक नहीं, मगर तुमने क्या किया तुम अपना बताओ। आज हम कहते हैं लाल किला मेरे बाप ने बनवाया, फला मेरे दादा ने बनवाया, फला इन्हें बनाया, फला इन्हें बनाया, हम क्या कर रहे हैं ज़रा अपनी तरफ हम देख रहे हैं। उन्होंने किया, नाम कमा करके चले गए, हम क्या कर रहे हैं। और कुरान ने कहा हल यस्तवी लदीन यालमून वल लदीन ला यालमून, जान लो ऊंच बीच बराबर नहीं हो सकता, रोशनी या तारीकी बराबर नहीं हो सकती, नशेब और फिराज बराबर नहीं हो सकता, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। जनाब आली इल्म को सबसे पहले कुरान इकरा बिस्में कहा कि पढ़, इल्म बहुत बड़ी दौलत है, इससे बड़ी माल है वो चोरी हो सकता है,
खजाना है चोरी हो सकता है, डाकू आकर लूट करके ले जाएगा, मगर याद रखिए ये इल्म जो हमारे पास है जितना खर्च करेंगे वो तो नहीं बढ़ेगा और इसको कोई नहीं चुरा सकता। असल हमारे कहने का मकसद है इस वक्त जिस दौर और हालात से हम गुज़र रहे हैं, आज मुसलमानों में दरोगा नहीं है, आज मुसलमानों में डॉक्टर नहीं है, आज मुसलमानों में इंजीनियर नहीं है, हम जहां आज मुसलमानों में वकील नहीं है, आज अपनी आँखों से मुशाहदा कर रहे हैं और पेपर से पढ़ रहे हैं कि हम आप देख रहे हैं मुशाहदा कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि हम बहुत पीछे हो गए, हमारे पास इल्म नहीं है। इस वक्त दीन के साथ दुनिया का होना ज़रूरी है, अगर हमने दीन के साथ दुनिया को न अपनाया, हमारे नबी को, हमारे नबी ने क्या किया कि मैदान में उतरे फिर सजदे में गए और अल्लाह से दुआ किया, ऐसे नहीं फतह हो मिल गई, सबसे पहले मैदान में गए और दुआ किया, उसके बाद अल्लाह ने फतह किया, फतह दिया। आज इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा और बगैर किए, ठीक है हम मदरसे में पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन मदरसे भी पढ़ते हैं और एक मसला उनसे बच्चे जो आते हैं पढ़ने के लिए लंबी लंबी बात करेंगे, अल्फाज का ज़खीरा है इनके पास, और दो ठो मसला पूछ दिए तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, नहीं बता सकते हैं मसला, अल्फाज इतने हैं कि मत पूछिए। जो चीज़ हमको करना चाहिए इस वक्त, अली मियां रहमतुल्लाह ने 4 जिल्द में दावतिया दियर लिखा है, ऐसा लगता है कि जैसे समंदर को कूजे में उन्होंने समो दिया हो, उसको पढ़ के देखिए, यानी मुग़लों की हालत और उसके अलावा जो जितने मुसलमानों का दौर गुजरा है उस पर उन्होंने कलम जो उठाया पढ़िएगा तो माने अफसोस होगा कि किस तरह से मुग़लों ने वक्त को बर्बाद किया, अगर वो चाहते तो आज ये हालत नहीं होती हमारी। इसलिए सबसे पहली फुर्सत में दीन अव्वल में है, उसके बाद उसके साथ साथ हमको दुनिया को लेकर चलना पड़ेगा और इसको हासिल करना ज़रूरी है, वरना कहीं के नहीं रहेंगे। पैसे से आप इज्जत नहीं हासिल कर सकते हैं, इल्म आपको इज्जत दिलाएगा। और अपने को अपने बचाव के लिए हमको बहुत फ़न आ रहा है, लाठी जानते हैं यानी पहलवानी भाई, कोई जगह हमारे लिए नहीं, इसलिए इस पर कान धरिए और ये जो तालीम हासिल करते हैं बेशक पढ़िए और आगे बढ़िए, अल्लाह करे कि ज़रूरत से ज़्यादा आप आगे बढ़ें, मगर इसको नज़रअंदाज ना करें दुनियावी लाइन को, इसलिए कि सिर्फ दुआ से काम न चलेगा, दुआ के साथ साथ दवा का करना ज़रूरी है। न एक पागल इतफाक़ कर लीजिएगा कुछ नहीं होगा आपका, सिर्फ दुआ करते रहिएगा कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ दवा करते रहिएगा कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए दोनों लाजिम मलजूम है। अल्लाह ताला हमें और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। अब मैं सदर मोहतरम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बिरादरम मरगूब रहमान नदवी साहब को ये एजाज़ी नशिस्त के तौर पर ये इनाम देकर उनकी हौसला अफजाई फरमाए। इस मौके पर मैं तमाम शुरका और ख़ास तौर पर यहाँ मौजूद मेहमानान खुसूसी का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि आपने शदीद मसरूफियत के बावजूद यहाँ पर आए और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। तमाम शुरका से दरख्वास्त है कि चूँकि नमाज का भी वक्त हो रहा है और हम लोगों ने नाश्ते का भी नज़म किया है, तो जिन लोगों को नाश्ते की ख्वाहिश है वो मौजूद रहें, इंशाल्लाह नमाज भी इंशाल्लाह नहीं जाएगी, कुछ वक्त बाकी है, नाश्ता लेते हुए लोग जाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और हमें अपनी राय दें ताकि मैं सभी तरह की वीडियो लाता रहूं, और इरशाद गरी सिटी को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन घंटी दबेगी तभी तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचेगी। धन्यवाद।